हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप फोटो एडिटिंग करके बताने वाला हूँ, वो भी इजी और आसान स्टेप में। अगर आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करते हो तो आप भी इजीली कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाओगे अपना फोटो को। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपना फोटो को लाइटरूम मोबाइल में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फोटो का पहले लाइट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फिर यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा शेडो बढ़ा देते हैं, फिर इसका वाइट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर इसका ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। आप लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे मैं फोटो इस फोटो के अकॉर्डिंग मैं किया हूँ। तो इतना करने के बाद अभी आते हैं यहाँ से कलर वाले टूल में। कलर वाले टूल में आके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको भी, फिर यहाँ से इसका वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। कुछ इतना करने के बाद मिक्स टूल में आना है। मिक्स टूल में आके रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर लुमिनेंस थोड़ा सा, फिर ऑरेंज कलर में आके इसका लुमिनेंस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा फ्रेश ब्राइट हो जाएगा, फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर इसका यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा प्लस के साइड रखेंगे थोड़ा सा। फिर इतना करने के बाद अभी आते हैं यहाँ से येलो कलर में। येलो कलर में आके इसका सेचुरेशन चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर इसका यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में आके इसका यू पूरा माइनस कर देंगे, सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। येलो कलर में आके इसका ह्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं येलो साइड, तो कुछ इतना। फिर सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देंगे, कुछ इतना। इतना करने के बाद अभी आते हैं सियान कलर में। इसका ह्यू पूरा माइनस कर देना है। फिर ब्लू कलर में आके इसका ह्यू को भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे। देख सकते हो शर्ट में मेरा ब्लू कलर है, तो इसीलिए इसका सेचुरेशन और ह्यू को थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ। फिर इतना करने के बाद सिंपली फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। पहले तो देख सकते हो फोटो यहाँ से सेव, शेयर वाले में क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सेम फ़ोटो को फिर से ओपन करना है। तो यहाँ से पहले इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद सेम फ़ोटो को फिर से ओपन कर लेना है एड फोटो में जाके। तो गाइस देख सकते हो एड फोटो में जाके अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आते हैं यहाँ से कलर वाले टूल में, फिर इसका वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर आते हैं मिक्स टूल में। मिक्स टूल में आके डायरेक्ट येलो कलर में आएंगे, फिर इसका यू चेंज करेंगे, पूरा माइनस कर देंगे। देख सकते हो अपना फोटो ऑरेंज कलर में ऑरेंज कलर में हो चुका है। फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देंगे। फिर आते हैं ग्रीन कलर में, फिर इसका ह्यू पूरा माइनस कर देना है। फिर आना है यहाँ से ऑरेंज कलर में, फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देख सकते हो कुछ इतना। फिर आते हैं ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आके इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देना है। फिर सेचुरेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से कलर ग्रेडिंग टूल में आना है। कलर ग्रेडिंग टूल में ये मेन है, तो इसी से ही सारा कलर अच्छा लगता है। तो इसको पहले शेडो के लिए कलर चूज करेंगे। तो यहाँ से इस ब्लू कलर को चूज करते हैं। फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा रखेंगे, फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस करेंगे अराउंड -40 के आसपास। फिर इतना होने के बाद अभी आते हैं हाईलाइट के लिए कलर चूज करते हैं। यहाँ से सेचुरेशन पहले बढ़ा लेंगे, फिर आते हैं यहाँ से इस वाले कलर को चूज करते हैं, फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा रखेंगे, फिर इसका लुमिनेंस यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं मिड टोन में। मिड टोन में आके इसका सेचुरेशन सेम बढ़ा लेंगे, फिर इसके लिए भी एक कलर चूज करेंगे। तो यहाँ से इस वाले कलर को चूज करते हैं, फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा रखेंगे अराउंड 5 या 6 के आसपास। फिर इसको यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। देख सकते हो बिफोर आफ्टर इतना अच्छा लग रहा है अभी फोटो। फिर आते हैं यहाँ से नीचे इस वाले टूल में के फोटो का क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से इसका विगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ताकि एजेस थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और फोटो और भी कूल लगेगा देखने में। फिर इतना करने के बाद सिंपली आना है इस वाले टूल में आके फोटो का शार्पनिंग बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा मास्किंग कर देते हैं डबल टैप करके। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, हर फोटो में यही यूज होता है। तो इतना करने के बाद देख सकते हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो इतना कर लेने के बाद सिंपली फ़ोटो को यहाँ से शेयर करके
फोटो को यहाँ से सेव करके अपना पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। यहाँ से शेयर वाले में जाके यहाँ से पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर किया हूँ। अगर आप लोग बैकग्राउंड ब्लर करना नहीं जानते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं जरूर शो डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ से एक एक करके PNG ऐड करते हैं, ये लिव वाला PNG। तो यहाँ से एक एक करके ऐड कर लेते हैं कुछ स्टेप से। आप लोग अपना फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही लगाना, तो मैं कुछ स्टेप से लगाता हूँ। फिर यहाँ से जो नहीं चाहिए उसको यहाँ से इरेजर टूल में जाके यहाँ से इरेज कर देते हैं। फिर इसको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद इसको डुप्लीकेट करके आप लोग को जहाँ जहाँ लगाना है आप लोग लगा लेना, कुछ स्टेप से लगाना है। तो गाइस देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है फोटो। सिंपली इसको यहाँ से राइट कर देंगे, फिर यहाँ से इसको सेव कर देंगे। कितना अच्छा लग रहा है अभी फोटो, तो देख सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को इस वाले फोटो एडिटिंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ अच्छा अच्छा पोस्ट डालता हूँ, तो आप लोग जरूर से जाके फॉलो भी कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।